वेलकम टू ISCS। ISCS ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISCS। ISCS ऑनलाइन के रैपिड फायर राउंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, रैपिड फायर राउंड शुरू करने से पहले हम लोग वो सवाल देख लेते हैं जो सवाल आपसे पूछा गया था पिछले रैपिड फायर राउंड में। दोस्तों, पिछला सवाल था, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन, सर कॉरिल रेडक्लिफ, सर स्टेफर्ड रेडक्लिफ या फिर लॉरिस। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सर कॉरिल रेडक्लिफ। अब हम लोग पहला सवाल देखते हैं आज के रैपिड फायर राउंड का। दोस्तों, पहला सवाल है, निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को कहते हैं अपवाह यानी कि ड्रिफ्ट, धारा यानी कि करंट, विशाल धारा या प्रवाह यानी कि स्ट्रीम या फिर जेट स्ट्रीम। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, धारा यानी कि करंट। दोस्तों, निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को करंट कहते हैं। ये वाटर करंट ठंडी भी होती है, जिसे हम लोग कोल्ड वाटर करंट कहते हैं या फिर हॉट वाटर करंट कहते हैं। तो दोस्तों, जो विषुवत रेखा से होकर या विषुवत रेखा के समानांतर जो जल धारा यानी कि वाटर करंट फ्लो करती है वो हॉट वाटर करंट होती है, जबकि दोनों ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आने वाली जल धाराएं कोल्ड वाटर करंट कहलाती हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर टू। 1857 में सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? कानपुर, झांसी, ग्वालियर या फिर मेरठ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर थ्री। भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है? प्रथम, द्वितीय, चौथे या फिर अंतिम। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चौथा यानी कि फोर्थ। चौथे भाग में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर फोर। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है या फिर पहले घटता है और फिर बढ़ता है। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। दोस्तों, याद रहे कि द्रव पर यदि कोई दबाव बढ़ता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम हिंदी में क्वथनांक कहते हैं, वो बढ़ जाता है। दोस्तों, इसी सिद्धांत पर प्रेशर कुकर को बनाया गया। दोस्तों, प्रेशर कुकर में जैसे ही प्रेशर बढ़ता है कुकर के अंदर, तो कुकर के अंदर के द्रव का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और ज्यादा तापमान पर द्रव्य बॉइल करता है, जिससे कि उसके अंदर में पक रहा भोजन आसानी से पक जाता है। और जब पहाड़ों पे हवा का दबाव यानी कि वातावरण में दबाव कम होता है तो जल 100 डिग्री से नीचे ही उबल जाता है, इसलिए वहां पर खाना बनाना आसान नहीं होता है। इसलिए पहाड़ी इलाकों में प्रेशर कुकर रेकमेंड किया जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। अधातु ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं या फिर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। पानी के अंदर वायु का बुलबुला डैश की तरह कार्य करता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस या फिर अवतल दर्पण। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। याद रखें दोस्तों, लेंस ना कि दर्पण, ये अवतल लेंस की तरह
कार्य करता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। इबोला वायरस की इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या फिर 25 दिन? तो दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 21 दिन। दोस्तों इबोला वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्त स्राव रुक जाता है क्योंकि फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देता है, फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देता है या फिर फिटकरी एक प्रतिरोधी है? तो दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देता है, यानी कि इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी या फिर विपिन चंद्र पाल? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस। दोस्तों रास बिहारी बोस ने ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। यदि दो वस्तुएं पूरक हो तो उनकी क्रॉस कीमत प्रत्यास्थता होती है, यानी कि क्रॉस कीमत प्रत्यास्थता का मतलब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या फिर काल्पनिक संख्या? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक होती है। दोस्तों पूरक वस्तुएं वो होती हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट कहलाती हैं, जो एक वस्तु बेची जाए तो उसके साथ दूसरा भी बिक जाती है, उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट कहा जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। ओजोन में होती है केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन या फिर ऑक्सीजन और कार्बन? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केवल ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, तो ओजोन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ठीक है दोस्तों, तो ओजोन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? कलकत्ता, लाहौर, इलाहाबाद या फिर मद्रास? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। तो पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ली गई थी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? जड़ें, तने का छाल, शुष्कित पत्तियां या शुष्कित लेटेक्स? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शुष्कित लैटेक्स। ये दोस्तों अफीम के पौधे के फल से जो गोंद निकलता है दोस्तों, उसे काट दिया जाता है और उससे जो गोंद निकलता है वो सूख जाता है, उसी को अफीम यानी कि नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। नामधापा नेशनल पार्क कहाँ है? मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? एडवर्ड स्टोन ने, ले कबूर्जे ने, एडविन लुटियंस ने या फिर तरुण दत्त ने? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एडविन ल्यूटियंस। इसीलिए दोस्तों उस राष्ट्रपति के आस राष्ट्रपति भवन के आसपास की दिल्ली को ल्यूटियंस दिल्ली भी कहा जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में शुरू किया गया था? जनवरी, मार्च, अगस्त या फिर दिसंबर?
तो दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अगस्त। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। कोहरा एक उदाहरण है गैस में परिक्षिप्त गैस का, गैस में परिक्षिप्त द्रव का, गैस में परिक्षिप्त ठोस का, या फिर द्रव में परिक्षिप्त ठोस का। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी गैस में परिक्षिप्त द्रव का। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, मस्तिष्क, यकृत, वृक्क या फिर प्लीहा। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यकृत यानी कि लीवर। दोस्तों पीलिया यानी कि जॉन्डिस लीवर में संक्रमण के कारण होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन प्रक्रिया को चाहिए, क्या चाहिए, उष्मा, जल, ऑक्सीजन या फिर सूर्य की रोशनी। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था, महाराणा प्रताप, राणा संग्राम सिंह, राणा कुंभा या फिर राणा रतन सिंह। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। भारत में पंचायती राज्य प्रणाली कब शुरू की गई थी, 1950, 1945, 1959 या फिर 1962। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1959, 1959 ईस्वी में। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं, प्लूटोनिक चट्टाने, बाल्केनिक चट्टाने, रूपांतरित चट्टाने या फिर पर्तदार चट्टाने। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्लूटोनिक चट्टाने। दोस्तों प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण लावा के ठोस होने के फलस्वरूप होता है, यानी कि प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण लावा से होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण में सबसे बड़ा हिस्सा जिसका है, वह है निर्यात से प्राप्ति की बचतें, अनिवासी भारतीयों की जमा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक द्वारा दिया गया अनुदान या फिर स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। संगमरमर है पुनर्विक्रित यानी कि क्रिस्टलाइज चूना पत्थर, एक अग्नेय शैल, बलुआ पत्थर या फिर कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित होने से निर्मित। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पुनर्विकृत यानी कि रिक्रिस्टलाइज चूना पत्थर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज रैपिड फायर राउंड। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है, जिप्सम, चूना पत्थर, राख या फिर मटियार। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर। दोस्तों चूना पत्थर में जिप्सम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि सीमेंट जल्दी जम ना जाए, जमाव को रोकने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मुख्य संघटक चूना पत्थर होता है, जिप्सम अलग से उनको जमने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस सवाल के साथ ही आज का रैपिड फायर राउंड यही समाप्त होता है। दोस्तों रैपिड फायर राउंड समाप्त करने से पहले एक सवाल जो हर रैपिड फायर राउंड में आपके लिए छोड़ दिया जाता है, वो सवाल है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, श्रवण बेलागोला में, पार्श्वनाथ पहाड़ियों में, इंदौर में या फिर माउंट आबू में। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे दें
और इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी अगर हमारे से शेयर करना चाहते हैं तो आप जरूर करें, ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा। दोस्तों आज का रैपिड फायर राउंड यही समाप्त होता है। आप हमसे हमेशा जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स अ लॉट।